हेलो स्टूडेंट्स, तो अभी हम एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस के बारे में देख रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने दो एप्लीकेशन पढ़ा है ना। पहला एप्लीकेशन क्या था कि टू चेक वेदर द गिवन फिजिकल रिलेशन इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट करेक्ट। सेकंड जो एप्लीकेशन था कि टू डेराइव द फिजिकल रिलेशन बाय यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस, जो पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था। अभी जो थर्ड एप्लीकेशन है वो क्या है, डायमेंशन एनालिसिस इज यूज्ड टू कन्वर्ट द गिवन फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू द अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट। एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं या यूनिट में क्या रिलेशन होता है, उसको हम डायमेंशन एनालिसिस से समझ सकते हैं। ठीक है, तो यही है कि डायमेंशन एनालिसिस इज यूज्ड टू कन्वर्ट फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर सिस्टम ऑफ। देखो, हमने पढ़ाया था, जब फिजिकल क्वांटिटी पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होता है तो दो क्वांटिटी, दो चीजों से मिलकर के बना होता है। एक तो उसके साथ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, और दूसरा क्या होता है, यूनिट होता है ना। जैसे मैं बोलूं कि दो केवल मैं लिख दूं तो टू कुछ भी हो सकता है, टू विल नेवर रिप्रेजेंट ए पार्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी। बट यदि मैं टू न्यूटन लिख दूं तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो टू न्यूटन जो है किस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू होता है और एक प्रॉपर यूनिट एसोसिएटेड होता है। और फिजिकल क्वांटिटी के लिए क्या होता है, फॉर एनी फिजिकल क्वांटिटी न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू सिस्टम ऑफ यूनिट ऑलवेज क्या होता है, कांस्टेंट होता है। आई मीन प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड सिस्टम ऑफ यूनिट होगा ऑलवेज क्या होगा, कांस्टेंट होगा। प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड सिस्टम ऑफ यूनिट विल बी ऑलवेज कांस्टेंट, क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज करके हम देखेंगे। आप लोग सब लोग जानते हैं कि जो फोर्स का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, SI यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है, और CGS यूनिट क्या होता है, डाइन होता है। क्या होता है, डाइन होता है। तो अपने को फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन न्यूटन एंड डाइन बाय यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस। तो हम क्या पढ़ेंगे, SI यूनिट अब क्या होगा, फोर्स इज क्या होगा, न्यूटन न्यूटन एंड, ठीक है, इसको हम क्या चीज, न्यूटन और इसको एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, उसी तरह क्या होगा, आप देखो CGS यूनिट क्या होता है। तो पहले देखो, तो हम लिखते हैं न्यूटन वन, फोर्स का डायमेंशन लिखें, न्यूटन वन न्यूटन लिखें, तो वन न्यूटन इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वन केजी इंटू क्या हो जाएगा, या फोर्स का डायमेंशन लिख दो पहले, फोर्स इज इक्वल टू क्या लिखोगे, एम, ठीक है, एल इंटू क्या होगा, टी माइनस क्या होगा, यही होगा। अब यदि मैं वन न्यूटन लिखूं तो वन न्यूटन इक्वल टू क्या होगा, वन केजी, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, वन केजी इंटू वन मीटर, तो वन मीटर इंटू क्या लिखेंगे, वन सेकेंड के पावर माइनस टू, यही होगा। ठीक है, एक इक्वेशन हमने लिख दिया। उसी तरह CGS यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है, फोर्स जो होता है वो क्या होता है, डाइन होता है। ठीक है, तो अगेन हम यदि देखें यहाँ से, तो वन, आप देखो तो वन डाइन स्मॉल में लिखते हैं, है ना, वन डाइन इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, वन डाइन इक्वल टू क्या लिखेंगे, CGS यूनिट में मैंने क्या बताया, मास को हम ग्राम में लिखते हैं, लेंथ को मीटर सेंटीमीटर में लिखते हैं, और टाइम को सेकंड में लिखते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, वन ग्राम, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा, वन सेंटीमीटर इंटू क्या हो जाएगा, वन सेकेंड के पावर क्या हो जाएगा, माइनस टू। अब आप क्या करो, दोनों को डिवाइड कर दो। तो दोनों को डिवाइड करोगे तो देखो, वन न्यूटन अपॉन क्या होगा, वन डाइन इज इक्वल टू क्या होगा, देखो, वन केजी
ठीक है, इंटू क्या होगा 1 मीटर इंटू क्या होगा 1 सेकेंड के पावर -2 डिवाइडेड बाई क्या होगा 1 ग्राम इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेकेंड के पावर क्या होगा -2। ये कैंसिल हो गया है ना, क्या हो गया कैंसिल हो गया। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है। देखो ये केजी में है और ये क्या है ग्राम में है, क्या है केजी में है ना, केजी और ये क्या है ग्राम में है। तो आप ग्राम में इसको कन्वर्ट करो, कोई भी आप यहां से 1 ग्राम इक्वल टू भी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो देखो 1 न्यूटन अपॉन क्या होगा 1 डाई इज इक्वल टू क्या होगा 10^3 ग्राम इंटू क्या होगा 10^2 सेंटीमीटर। ठीक है, यही होगा ना, अपॉन क्या होगा 1 ग्राम इंटू क्या होगा 1 सेंटीमीटर। अब देखो ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा है ना। ये क्या होगा 1 न्यूटन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10^5 9। तो ये याद रखना चाहिए है ना, डायरेक्ट ए इसकी जरूरत होती है। तो आपसे आपको यहाँ क्या मालूम चल गया कि फोर्स का जो यूनिट SI यूनिट और CGS यूनिट में क्या रिलेशन होता है वो अपने को मालूम चल गया। ठीक है, कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन क्या होगा डाइन एंड क्या होगा न्यूटन। ठीक है, उसी तरह सेकंड एप्लीकेशन देखो, बी में जो दिया हुआ है क्या कि वर्क का जो यूनिट होता है SI यूनिट अब क्या होगा कन्वर्ट। रिलेशन बिटवीन क्या है, रिलेशन बिटवीन क्या होगा जूल, जूल एंड क्या होगा एंड अर्ग, आप लोग शायद जानते होंगे। अब देखो SI यूनिट ऑफ क्या होता है, SI यूनिट ऑफ वर्क वो क्या होता है जूल होता है। ठीक है, CGS यूनिट ऑफ वर्क क्या होता है अर्ग होता है। ठीक है, अपने को क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन जूल एंड अर्ग, जूल एंड अर्ग। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, अगेन यदि आप वर्क का डायमेंशन की बात करो तो वर्क इक्वल टू क्या होगा, कार डायमेंशन जो होगा क्या होगा m। ठीक है, L² t - क्या होता है 2 होता है, यही होता है ना। इसको हम ऐसे भी अलग अलग भी लिख सकते हैं m। ठीक है, क्या होगा L² क्या होगा t - क्या होगा 2। अब 1 जूल इक्वल टू क्या होगा, जूल SI यूनिट है, तो यदि 1 kg हो जाए, ये 1 मीटर हो जाए, 1 सेकंड हो जाए, तो देखो तो ये कितना वर्क कितना हो जाएगा 1 जूल हो जाएगा। तो अब हम क्या लिखेंगे, ठीक है, तो यहां से आप देख सकते हो कि वर्क का जो यूनिट क्या होगा, अब यहाँ लिखेंगे 1 जूल इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 1 kg इंटू क्या लिखेंगे 1 m² इंटू 1 सेकेंड -2 द होल। सही है, उसी तरह 1 अर्ग लिखे तो हम क्या लिख सकते हैं 1 ग्राम इंटू क्या लिखेंगे 1 सेंटीमीटर द होल स्क्वायर इंटू 1 सेकेंड सेकेंड के पावर क्या होगा -2। अब डिवाइड कर दो यार, तो 1 जूल डिवाइडेड डिवाइडेड बाई क्या होगा 1 अर्ग इज इक्वल टू क्या होगा, देखो 1 kg को अब आइदर इसको दोनों को सेम यूनिट में कन्वर्ट करो तभी तो कैंसिल होगा, तो हम क्या लिखेंगे 10^3 ग्राम इंटू क्या लिखेंगे 10^4 cm² इंटू 1 सेकेंड का मान पावर -2 अपॉन क्या लिखेंगे 1 ग्राम इंटू 1 cm² इंटू 1 सेकेंड के पावर क्या होगा -2। ये देखो कैंसिल हो गया है ना, तो यहां से आप देखोगे ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, तो 1 जूल जो 1 जूल इक्वल टू क्या हो जाएगा 10^7 होता है।
ये भी आपको माइंड में रखना चाहिए। क्या होगा? 1 जूल इक्वल टू क्या हो जाएगा? 7। 10^7 क्या हो जाएगा? 7 अर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10^7 अर्ग। तो ये कैसे हम डायमेंशन एनालिसिस का यूज करके हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं कि डायमेंशन एनालिसिस का यूज करके हम पहले तो ये चेक कर सकते हैं कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी दिया हुआ है वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। उसके बाद हम सेकेंड एप्लीकेशन क्या है कि रिलेशन को डिराइव कर सकते हैं। थर्ड जो एप्लीकेशन तो क्या था कि एक यूनिट से दूसरे यूनिट में हम क्या कर सकते हैं, किसी फिजिकल क्वांटिटी को हम 1 यूनिट टू अनदर यूनिट में हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं। अब लिमिटेशन क्या है कि डायमेंशन एनालिसिस हर जगह यूज, अभी तक आपने देखा कि हम जितने भी रिलेशन डिराइव किए थे वो सभी जो रिलेशन था वो क्या था, प्रोडक्ट के फॉर्म में था, है ना? क्या है? प्रोडक्ट। आई मीन इफ द क्या होगा, इफ द एनी फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटी, है ना, या हम बोल सकते हैं कि इफ रिलेशन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज कनेक्टेड विथ प्लस एंड माइनस साइन, या यू बोल सकते हैं कि इफ द रिलेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द अदर फिजिकल क्वांटिटी, देन वी कांट यूज दिस रिलेशन, वी कांट यूज डायमेंशन एनालिसिस टू डिराइव द रिलेशन। जैसे मैं आपसे सिंपल बोलूं कि s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर यूज करके आप s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर को डायमेंशन एनालिसिस यूज करके आप डिराइव करो तो क्या आप डिराइव कर सकते हो? नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते इसको यूज करके, है ना? तो ये भी एक ड्रॉबैक है इसका कि लिमिटेशन क्या है, ड्रॉबैक क्या है डायमेंशन एनालिसिस का। तो ये अभी हम क्या पढ़ेंगे, ड्रॉबैक। उसके बाद हमने ये देखा था कि जितने भी हमने रिलेशन फाइंड आउट किया है उसमें क्या है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो है वो क्या है, टू अदर फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है, तो हम डायमेंशन एनालिसिस यूज करके डिराइव कर सकते हैं। लेकिन यदि मोर देन टू अदर फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा देन वी कांट डिराइव दैट रिलेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी बाय यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस। तो हम क्या करेंगे, 1 by 1 देखेंगे। उसके बाद हमने ये देखा था कि डायमेंशन एनालिसिस का यूज करके हम किसी भी न्यूमेरिकल कॉन्स्टेंट, आई मीन 1/2, 2π, 3π, 4π, 5π, हाफ, ठीक है, या 2, इसका वैल्यू हम नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं। ये भी एक ड्रॉबैक है। तभी हम क्या देखेंगे, ड्रॉबैक ऑफ डायमेंशन एनालिसिस या लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस इसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो देखो क्या है, अभी ठीक है, तो हम देखेंगे यहां कि लिमिटेशन और हम बोल सकते हैं कि ड्रॉबैक ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, ठीक है। अब देखो क्या है, पहला मैंने बताया था कि देखो फर्स्ट ड्रॉबैक क्या है इसका, कीप द डायमेंशन इज गिवन देन क्या होगा, फिजिकल क्वांटिटी मे और मे नॉट बी क्या होगा, यूनिक। आपको ये बात समझ में आई कि यदि डायमेंशन दिया हुआ है तो इसका ड्रॉबैक ये है कि आप उस डायमेंशन को यूज करके आप ये नहीं बोल सकते कि यही फिजिकल क्वांटिटी होगा। इसका पहला ड्रॉबैक क्या है, कि द डायमेंशन ऑफ डायमेंशन इज गिवन देन वी कांट प्रिडिक्ट द फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। गिवन फिजिकल क्वांटिटी को हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि हम जब डायमेंशन लिख रहे थे तो हमने वहां देखा था कि सेम डायमेंशन जो है वो क्या है, मोर देन क्या है, 1 फिजिकल क्वांटिटी का होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बता दूं कि वर्क का डायमेंशन जब लिखोगे तो क्या होगा, ml²t-2 होगा। टॉर्क का भी डायमेंशन लिखोगे तो क्या होगा, ml²t-2 होगा, ठीक है।
उसके बाद हमने देखा था कि प्रेशर का डायमेंशन लिखोगे तो क्या होगा, एम एल क्या होगा, एम एल माइनस वन टी माइनस क्या होगा, टू होगा। स्ट्रेस का भी डायमेंशन मैंने बताया था कि वो भी क्या होता है, एम एल माइनस वन टी माइनस क्या होता है, टू होता है। तो यदि डायमेंशन एनालिस डायमेंशन दिया हुआ है, इफ द डायमेंशन ऑफ डायमेंशन इज गिवन देन फिजिकल क्वांटिटी मे और मे नॉट भी क्या होगा, यूनिक। आई मीन इफ द डायमेंशन इज गिवन देन वी कांट प्रिडिक्ट बाय लुकिंग एट द डायमेंशन टू एनी फिजिकल क्वांटिटी। आप डायमेंशन को देख करके नहीं बता सकते हो कि ये डायमेंशन जो होगा वो किस फिजिकल क्वांटिटी को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। समझ में आई बात कि यदि डायमेंशन दिया हुआ है तो हम ये बोल सकते हैं कि इफ क्या होगा, इफ इफ डायमेंशन डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी क्वांटिटी इज गिवन देन क्या होगा, देन फिजिकल क्वांटिटी क्वांटिटी में और क्या होगा, में और में नॉट बी क्या होगा, नॉट बी यूनिक। इसका मतलब समझ में आया कि इफ डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज गिवन देन फिजिकल क्वांटिटी में और में नॉट बी यूनिक। इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज इफ द डायमेंशन इज क्या होगा, गिवन देन वी कांट फिगर आउट ए फिजिकल क्वांटिटी। नहीं, वी मे और मे नॉट ऐसे बोल सकते हैं, वी मे और मे नॉट ऐसे नहीं बोल सकते हैं, कांट है ना, क्योंकि बोल भी सकते हैं मे और मे नॉट फिगर आउट ए पार्टिकुलर है ना, फिगर आउट ए पार्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, किसी पार्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या कर सकते हैं, फिगर आउट नहीं कर सकते हैं। जैसे क्यों, क्योंकि सेमी डायमेंशन, जैसे आप क्या है कि डायमेंशन अब क्या होगा, वर्क। एग्जांपल देखो तो डायमेंशन ऑफ वर्क क्या होगा, एम एल टी एम एल स्क्वायर टी माइनस क्या होगा, टू होगा। तो यदि डायमेंशन ऑफ टॉर्क देखोगे, क्या है टॉर्क, यहां मैं लिख देता हूं टॉर्क इज इक्वल टू क्या होगा, अगेन क्या होगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस क्या होगा। तो यदि ये डायमेंशन दिया हुआ है तो आप ये नहीं बता सकते हो कि फिजिकल क्वांटिटी फोर्स होगा, सॉरी टॉर्क होगा और क्या होगा, वर्क होगा या एनर्जी होगा, आप ये नहीं बोल सकते हो। ठीक है, और फिजिकल क्वांटिटी दिया हुआ तो इसका मतलब यही हुआ कि डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज गिवन देन फिजिकल क्वांटिटी में और में नॉट भी क्या होगा, यूनिक। यहां देखो, यहां यूनिक नहीं है। यदि ये डायमेंशन एम एल टी माइनस टू दिया हुआ है तो वर्क भी हो सकता है और क्या हो सकता है, टॉर्क भी हो सकता है, तो दो एनर्जी भी हो सकता है, तो दो मोर देन टू फिजिकल क्वांटिटी को ये डायमेंशन क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां फिजिकल क्वांटिटी यूनिक नहीं हुआ, लेकिन हियर फिजिकल क्वांटिटी, तो इफ द डायमेंशन इज डायमेंशन एम एल स्क्वायर टी माइनस टू इज गिवन देन क्या होगा, फिजिकल क्वांटिटी में भी क्या होगा, वर्क में भी क्या होगा, टॉर्क में भी, एनर्जी में भी, हीट कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो हम ये नहीं बोल सकते हैं कि ये क्या चीज को रिप्रेजेंट करेगा, इसका मतलब ये हुआ। दूसरा, उसी तरह देखो कि डायमेंशन अब क्या होगा, प्रेशर। प्रेशर का जो डायमेंशन होता है वो क्या होता है, फोर्स अपॉन क्या होता है, एरिया। तो ये क्या होगा, एम एल माइनस वन टी माइनस क्या होगा। उसी तरह मैंने बताया था कि स्ट्रेस का जब डायमेंशन देखोगे तो फोर्स अपॉन एरिया भी होता है उसमें, है ना। तो यहां क्या होगा, एम अगेन एल माइनस वन क्या होगा, टी माइनस टू। तो यदि ये डायमेंशन एम एल माइनस वन टी माइनस टू दिया हुआ है तो ये क्या करेगा, ये जो डायमेंशन है देखो, यहां एम एल माइनस वन टी माइनस टू, ये दो फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक क्या है, स्ट्रेस,
और दूसरा क्या है प्रेशर। तो यदि ऐसे डायमेंशन दिया हुआ है तो आप फिजिकल क्वांटिटी यूनिक नहीं हुआ यार, यहाँ दो फिजिकल क्वांटिटी को डायमेंशन रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि यहाँ भी क्या है ये जो डायमेंशन है ml square t minus 2 ये दो फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर, मोर देन 2 होगा और भी होगा लेकिन जस्ट हम दो बता रहे हैं। तो इसका मतलब यही हुआ कि इफ द डायमेंशन इज गिवन देन वी कांट प्रिडिक्ट, वी मे और मे नॉट, कांट नहीं, वी मे और मे नॉट बी एबल टू प्रिडिक्ट और फिगर आउट द गिवन फिजिकल क्वांटिटी। हम यहाँ बोल सकते हैं, तो यहाँ मैंने लिखा डायमेंशन इज गिवन देन वी मे और मे नॉट फिगर आउट इफ ये पार्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी है। समझ में आया ना क्या होगा, किसी पार्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी को हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। सेकेंड जो इसका ड्रॉबैक है वो देखो सेकेंड क्या है, हम वन बाई वन देखेंगे। तो सेकेंड जो ड्रॉबैक है वो क्या है, कि बाय डायमेंशन एनालिसिस, ठीक है, सेकेंड जो ड्रॉबैक है क्या है, सेकेंड जो ड्रॉबैक है वो क्या है, बाय डायमेंशन, बाय यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस वी कांट फिगर आउट न्यूमेरिकल कांस्टेंट। यही बोल सकते हैं कि हम न्यूमेरिकल कांस्टेंट नहीं, द वैल्यू ऑफ, वी कांट फिगर आउट द वैल्यू ऑफ न्यूमेरिकल कांस्टेंट के सच एज क्या होगा, 2, 1/2, 2π, ठीक है, 6π एंड सो ऑन। इसका वैल्यू हम नहीं फाइंड आउट कर सकते, इसका मतलब आपको समझ में आया कि बाय यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस वी कांट फिगर आउट द वैल्यू ऑफ न्यूमेरिकल कांस्टेंट के इन गिवन रिलेशन, इन गिवन फिजिकल रिलेशन, ये भी लिख लेना फिजिकल रिलेशन, ठीक है। तो सेकंड ड्रॉबैक, जैसे एक एग्जांपल मैंने बताया कि आपको, यदि मैंने ये बताया था, देखो ध्यान से, कि जब हमने क्या लिखा था, t इक्वल टू क्या लिखा था, 2π√l/g लिखा था ना यार। तो मैंने जब हमने डायमेंशन एनालिसिस यूज करके रिलेशन फाइंड आउट किया था, तो 2π का वैल्यू नहीं आया था, क्या वो 2π क्या होता है यार, 2π डायमेंशन लेस होता है, तो ये कभी रिलेशन में नहीं आता। तो यही क्या हुआ, न्यूमेरिकल कांस्टेंट हुआ, ऐसे नहीं बोल सकते हैं न्यूमेरिकल कांस्टेंट, इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल कांस्टेंट। इस न्यूमेरिकल कांस्टेंट का वैल्यू फिजिकल रिलेशन में हम यदि डायमेंशन एनालिसिस यूज करके फाइंड आउट करें तो हम नहीं फाइंड आउट कर सकते। उसके बाद और भी आप देखोगे, विस्कस फोर्स कहीं मैंने बताया था, 6 vp इक्वल टू क्या होता है, 6π r eta vt होता है, वहां भी इसका वैल्यू, इवन हमने डायमेंशन एनालिसिस यूज करके फाइंड आउट कर लिया था, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू किसी भी फिजिकल रिलेशन में आता है उसका वैल्यू हम नहीं फाइंड आउट करते हैं, ये भी क्या हुआ, न्यूमेरिकल वैल्यू। उसके बाद देखना, हमने लिखा था काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, 1/2 mv2। तो बाय यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस हमने ये वैल्यू फाइंड आउट किया था, लेकिन ये हमने बोला था कि ये आपको याद रखना है, तो ये क्या हुआ, न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल कांस्टेंट, ठीक है। तो डायमेंशन एनालिसिस यूज करके हम किसी भी न्यूमेरिकल कांस्टेंट का जो फिजिकल रिलेशन में यूज होता है उसका वैल्यू हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको ये याद रखना है कि डायमेंशन एनालिसिस इफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, यहाँ क्या है, अगला जो थर्ड जो एप्लीकेशन है इसका, सॉरी थर्ड जो ड्रॉबैक है, थर्ड ड्रॉबैक क्या है, कि
यदि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी मोर देन थ्री और मोर देन थ्री फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है तो बाई यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस वी कांट फाइंड आउट द रिलेशन फॉर दैट फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो यहां हम लिख सकते हैं कि क्या होगा इफ, क्या होगा इफ ए फिजिकल फिजिकल क्वांटिटी क्वांटिटी डिपेंड ऑन मोर डिपेंड ऑन थ्री थ्री और मोर देन थ्री अदर फिजिकल क्वांटिटी मोर देन थ्री अदर फिजिकल क्वांटिटी देन वी कांट डेराइव द वी कांट डेराइव द रिजल्ट फॉर फॉर गिवन फिजिकल क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी बाय यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस बाय यूजिंग क्या होगा बाय यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस बाय यूजिंग एग्जाम्पल। लेकिन आप डायमेंशनली इसको चेक कर सकते हो, जैसे देखो आप आगे पढ़ोगे, जब हम आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, वहां भी ये चीज मिलेगा। जैसे देखो एक फिजिकल पेंडुलम होता है, जैसे सिंपल पेंडुलम होता है, तो फिजिकल पेंडुलम जो होता है, जैसे एक एग्जाम्पल देखो कि आपको फाइंड आउट करना है कि टाइम पीरियड, देखो टाइम टाइम पीरियड ऑफ क्या होगा फिजिकल 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 पेंडुलम इज क्या होगा गिवन एज देखो टी इज इक्वल टू टू पाई अंडर रूट क्या होगा आई अपॉन एम जी डी। ठीक है, तो आप देखो यहां ये मोर देन थ्री, ये देखो क्या है मोर देन थ्री क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है। ये क्या है आई क्या है आप सब जानते हो, आप कोशिश भी कर लेना, मोमेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। डी क्या है डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास, अब ये सब क्या होता है आगे पढ़ोगे, सेंटर ऑफ मास फ्रॉम पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। एम क्या है मास और जी क्या है एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो ये देखो ये क्या है आई, इवन दो डायमेंशनली आप चेक कर सकते हो कि डायमेंशनली ये करेक्ट है या नहीं है, है ना, क्या है डायमेंशनली ये करेक्ट है या नहीं है, तो आप ये चेक कर सकते हो। लेकिन इस रिजल्ट का यूज करके आप देखना, कोशिश करना कि क्या आप डायमेंशन एनालिसिस यूज करके आप इसको डिराइव कर सकते हो क्या नहीं कर सकते। ठीक है, आप ट्राई करना इसको। सेकंड जो है तो ये क्या है, दूसरा जो एग्जांपल मैं बता रहा हूं आपको कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क, ट्यूनिंग फॉर्क क्या होता है ये आगे पढ़ोगे, सिंगल फ्रीक्वेंसी जनरेट करने के लिए उसका यूज किया जाता है। तो सेकंड जब एग्जांपल पढ़ोगे तो क्या होगा फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोर्क एफ ओ आर के टी यू एन आई एन जी ट्यूनिंग फोर्क। ठीक है, तो एफ जो है वो क्या चीज पे डिपेंड करता है टी अपॉन
एल स्क्वायर इंटू क्या होता है वी। टी क्या है, देखो यहाँ तीन क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है। टी क्या है, थिकनेस, अब मैं बताता हूँ। वी क्या है, वेलोसिटी, देखो ये क्या है, एल क्या है, लेंथ, लेंथ ऑफ ट्यूनिंग फोर्क, ठीक है। उसके बाद टी क्या है, टाइम नहीं है, थिकनेस, और वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ वेव। ये सब आगे पढ़ना है, आप पढ़ोगे तो आगे अपने क्या पढ़ना है। तो यहां देखो ये क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फिजिकल क्वांटिटी मोर देन क्या, जिसे आई एम जी डी, मोर देन थ्री फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है। आई मीन टाइम पीरियड ऑफ फिजिकल पेंडुलम जो है वो थ्री फिजिकल, मोर देन थ्री फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ आप देखोगे तो यहाँ फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोर्क जो है वो थ्री फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है, टी, एल स्क्वायर और क्या है। तो इस रिजल्ट को मतलब इस, इफ यू वॉन्ट टू डिराइव दिस रिजल्ट बाई यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस देन वी कांट, वी कैनॉट डिराइव दिस रिजल्ट बाई यूजिंग डायमेंशन। क्यों, क्योंकि ये क्या है, फिजिकल क्वांटिटी जो है यहाँ क्या है, यहाँ जब आप डायमेंशन एनालिसिस यूज करोगे तो मोर देन थ्री अनोन आपको मिलेंगे और इक्वेशन थ्री मिलेगा, इसलिए हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। या किसी किसी यहाँ आप देखोगे तो यहाँ क्या होगा, एल आप लिखोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये डायमेंशन है, ये लेंथ हुआ, एल स्क्वायर हुआ, आप कोशिश करना इसको डायमेंशन एनालिसिस, एक टर्म क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ कुछ ऐसे से, उसके बाद चौथा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक है वो क्या है कि इफ एनी रिलेशन इज, यदि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अदर फिजिकल क्वांटिटी पे प्रोडक्ट के फॉर्म में नहीं डिपेंड कर रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, डायमेंशन एनालिसिस यूज करके हम उस रिजल्ट को डिराइव नहीं कर सकते, ठीक है। यहां मैं ये बता लिख देता हूं, फोर्थ जो एप्लीकेशन है वो क्या है, इफ द क्या होगा, यहां लिख देता हूं फोर्थ, इफ द क्या होगा, फिजिकल, फिजिकल इफ द फिजिकल रिलेशन इज क्या होगा, नट इन द, इन द क्या होगा, प्रोडक्ट फॉर्म, प्रोडक्ट फॉर्म, देन नॉट इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, इन इफ द फिजिकल रिलेशन इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ, नॉट इन द फॉर्म प्रोडक्ट फॉर्म ऑफ अदर, अदर फिजिकल, ये मैं बता फिजिकल क्वांटिटी, देन वी कांट यूज, डायमेंशन, डायमेंशन एनालिसिस टू डिराइव द फिजिकल रिलेशन। जैसे तुम एग्जाम्पल से इसको ज्यादा समझोगे, जैसे देखो एग्जाम्पल के लिए देखो, दिया हुआ है कि S इक्वल टू यू टी प्लस क्या होगा, हाफ ए टी स्क्वायर। इसको हम डायमेंशन एनालिसिस यूज करके डिराइव नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ये डिस्टेंस जो है वो टाइम और वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन पे क्या है, प्रोडक्ट फॉर्म में नहीं है। तो यहाँ क्या है कि ये कोई भी रिलेशन यदि प्रोडक्ट फॉर्म में नहीं हो, आई मीन सम प्लस और माइनस के फॉर्म में दिया हुआ है, तो हम डायमेंशन एनालिसिस यूज करके नहीं डिराइव। जैसे देखो v इक्वल टू क्या होता है, u प्लस ए टी, उसके बाद देखो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। इसको, इस रिलेशन को वी कांट डिराइव बाय यूजिंग, है ना, बाय डायमेंशन एनालिसिस। वी क्या होगा, कांट डिराइव दिस रिलेशन।
लेकिन यदि ये दिया हुआ है, जैसा कि हमने बताया था कि हम लोग क्या कर सकते हैं, यदि F इक्वल टू क्या है, M इंटू ए है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर दिया हुआ है ना, T इक्वल टू यदि 2 पाई अंडर रूट क्या है, L बाई जी है, तो ये सभी जो रिलेशन है क्या है, प्रोडक्ट फॉर्म में है ना, क्या है, प्रोडक्ट फॉर्म में है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, डायमेंशन एनालिसिस यूज करके डिराइव कर सकते हैं। यदि प्लस माइनस से कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अदर फिजिकल क्वांटिटी पे क्या है डिपेंड कर रहा है, आई मीन प्रोडक्ट के फॉर्म में नहीं होगी वन रिलेशन, तो हम इसको डायमेंशन एनालिसिस यूज करके उस रिलेशन को डिराइव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के क्लास में बस इतना ही है ना, क्या है, ये रहा डायमेंशन एनालिसिस से रिलेटेड चीजें। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे कि एरर क्या होता है और एरर को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, आई मीन कोई भी फिजिकल क्वांटिटी प्रोडक्ट फॉर्म में दिया हुआ है तो एरर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, सम के फॉर्म में दिया हुआ है तो एरर कैसे कैलकुलेट करेंगे, डिफरेंस के फॉर्म में दिया हुआ है तो एरर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो आज के क्लास में बस अभी इतना ही। ओके, थैंक यू।